बच्चों, क्लास 8 मैथमेटिक्स में आज एक नए चैप्टर का शुरुआत किया जाएगा। पिछले वीडियो में मैंने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल चैप्टर 2 कंप्लीट किया था अप टू एक्सरसाइज 2.6 तक। आज हम शुरुआत कर रहे हैं चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटर के बारे में। क्वाड्रिलेटर जिसके बारे में आप लोग क्लास 7 में भी पढ़े होंगे। क्वाड्रिलेटर अ शेप ऑफ ए काइंड ऑफ पॉलीगंस हुआ करती है, और एक पॉलीगंस किसके बेसिस बनते हैं, एक पॉलीगंस एक काइंड ऑफ सिंपल क्लोज्ड कर्व होते हैं ना। एक क्लोज कर्व क्या होते हैं, पॉलीगंस होते हैं। और पॉलीगंस के जो टाइप्स बनते हैं, पॉलीगंस क्या होते हैं, पॉलीगंस के अंडर में जो भी कर्व्स हैं वो क्या बनाते हैं, वो आपके क्वाड्रिलेटर्स, स्क्वायर्स, रोम्बस एक्सेट्रा एक्सेट्रा बनते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे अपने टॉपिक का। सबसे पहले किससे शुरुआत किया जाए, कर्व से, क्योंकि हम कर्व बेसिक पढ़ेंगे। कर्व के बाद हम पॉलीगंस पढ़ेंगे, और पॉलीगंस के बाद फिर हम अपने अलग अलग जो पॉलीगंस हैं, डिफरेंट डिफरेंट हैं, क्वाड्रिलेटर्स हैं, स्क्वायर्स हैं, रोम्बस है, पैरेललोग्राम्स हैं, हम उनके बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। तो हमारे पास सबसे पहला पॉइंट, हमारे पास कर्व है। तो कर्व होते क्या है, कर्व है अ फिगर ट्रेस्ड आउट ऑन ए प्लेन सरफेस विद द हेल्प ऑफ ए शार्प पेंसिल विदाउट लिफ्टिंग इट इज कॉल्ड अ कर्व। कोई भी पेंसिल ले लीजिए आप, ब्लैंक पेज पर आप पेंसिल से खींचे, कोई भी फिगर आप खींच लेते हैं विदाउट लिफ्टिंग, मतलब जैसे हमने यहाँ पेंसिल ले लिए, इस पेंसिल से हमने खींचना शुरू किए, एक फिगर शुरू कर दिए, ठीक है, हमने शुरू कर दिए, यहाँ एंड कर दिए, तो ये क्या होगा, एक कर्व हो गया। आप चाहें तो ये खींचे, जैसे आपने ये बना दिए, ठीक है, हमने यहाँ पर एंड कर दिए, चलो हमने एंडिंग यहाँ पर कर दी, ये क्या हुआ, एक कर्व हुआ, जो कि कर्व में लाइंस भी बन सकती है और विदाउट लाइन भी हो सकती है, चाहे वो ओपन हो और चाहे क्लोज हो, कोई फिगर आप बना सकते हैं। जैसे ये देख लीजिए, ये भी क्या है, एक कर्व हुआ, ठीक है। तो ये हमारे सारे कर्व होते हैं जिसमें आप पेंसिल से, है ना, बताया था कि पेंसिल आप रखिए एक ब्लैंक पेपर पर, और उसके बाद आप खींचना शुरू कर दीजिए, ध्यान दीजिए खींचना शुरू कर दीजिए विदाउट लिफ्टिंग, सो दैट इज कॉल्ड अ कर्व। ओके, हम पढ़ेंगे आज कर्व के बाद टाइप्स ऑफ कर्व। टाइप्स ऑफ कर्व मीन्स ये कर्व हमारे पास दो तरीके से बनाते हैं, एक तो होते हैं इस तरह के शेप और दूसरा होता है इस तरह का शेप। इस तरह के शेप को बोलते हैं ओपन कर्व, और ऐसे जो कर्व जिसमें चारों तरफ से बॉन्ड हो, बंद हो, तो ऐसे शेप को क्या बोलते हैं, क्लोज कर्व बोलते हैं। तो यहां पर ओपन कर्व, ओपन कर्व क्या है, अ कर्व दैट डज नॉट एंड एट द स्टार्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड एन ओपन कर्व, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट दोनों एक पॉइंट पर नहीं मिलते, जहां से स्टार्टिंग किए वहीं पर एंड पॉइंट न मिले, ऐसे कर्व को क्या बोलते हैं, ओपन कर्व बोलते हैं। जैसे ये फिगर आपका ओपन कर्व हो सकता था, जैसे ये फिगर देखिए, हमने यहां से स्टार्ट किए, ठीक है, और विदाउट लिफ्टिंग हमने इसको खींचना शुरू किए, तो ये देखिए क्या हो रहा है, यह ओपन कर्व है, बिकॉज स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट मिल नहीं रहा है, नहीं मिल रहा ना। आप कोई और फिगर ले लीजिए, जैसे मैंने ये फिगर ले लिया, ठीक है, ये फिगर आपने बना दी, यहां पर आपने एक फिगर ऐसे ही रफली ड्रा कर दी, ये क्या हो गया, एक ओपन कर्व हुआ, ठीक है। सिमिलरली कोई भी फिगर आप देख लीजिएगा, कोई भी फिगर आप ड्रा कीजिए जिसमें, जैसे हमने ये फिगर ड्रा कर दिए, ठीक है, एक हमने ऐसे फिगर कोई ड्रा कर दिए, ओके, ये ड्रा कर दिए, ये क्या हो गया, एक ओपन कर्व हो गया, बिकॉज इसमें क्या होगा, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम पॉइंट पर, मतलब जहां से स्टार्ट किए वहीं पर एंडिंग पॉइंट मिलते नहीं है, तो ऐसे कर्व को क्या बोलते हैं, ओपन कर्व बोला करते हैं, ठीक है। अब आते हैं क्लोज कर्व। क्लोज कर्व क्या होते हैं, अ कर्व A curve that begins and ends at the same point, ठीक है ना, that begins and ends at the same point is called a closed curve, ठीक है, definition clear हुआ। यहां क्या होता है, एंडिंग और स्टार्टिंग पॉइंट मिलते नहीं है, है ना, स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट मिलते नहीं, और ये क्या होगा, दैट बिगेंस एंड एंड एट द सेम पॉइंट, एंडिंग और स्टार्टिंग पॉइंट मिल जाते हैं, तो ऐसे फिगर क्या बोलते हैं, क्लोज कर बोलते हैं। इस फिगर आप कोई ड्रा कर लीजिए, जैसे हमने एक फिगर ड्रा कर ली, ये देखिए, है ना, हमने सपोज कीजिए ड्रा कर दिए, कुछ भी ड्रा कर लीजिए आप ऐसे शेप में जो कि एंडिंग और स्टार्टिंग पॉइंट, एक फिगर ड्रा कर दिए, कोई और ले लीजिए, जैसे हमने ये शेप खींच दिए, ठीक है, ये क्या होगा, एक क्लोज कर्व हो गया। कोई फिगर आप खींच लीजिए, जैसे ये आपने, ये क्या हो गया, एक कर्व हो गया, दैट कर्व इज क्लोज कर्व होगा, ठीक है, आप ये खींच लीजिए,
ये क्या हो गया, एक क्लोज कर्व हुआ। मतलब आप जैसा भी कोई फिगर जो कि क्लोज कर्व बना सके, जिसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट दोनों एक पर मिल जाते हैं, जैसे कोई भी देख लीजिए आप फिगर, इसमें स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट मिल रहे हैं, तो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट जहां मिलते हैं, ऐसे फिगर को, ऐसे कर्व को हम क्लोज कर्व कहते हैं। ठीक है, ऐसे कर्व को हम क्लोज कर्व करते हैं। एक बार कंप्लीटली आप इसको नोट कर लीजिए, मैं आगे पॉइंट लेकर चलता हूं, तो एक बार आप इसको नोट कीजिए। स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है सिंपल क्लोज्ड कर्व। सिंपल क्लोज्ड कर्व, सिंपल क्लोज कर्व क्या होते हैं, वे कर्व्स जो अपने आप को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। मतलब जब स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट जब आप खींचना शुरू करें, तो जब कर्व बने, तो कर्व में क्या हो, एक दूसरे को इंटरसेक्ट न करें, अपने आप के जो साइड्स बनेंगे वो आपस में इंटरसेक्ट न करें, तो ऐसे कर्व को हम सिंपल क्लोज कर्व बोलते हैं। अ क्लोज कर्व, मैं डिफिनेशन लिख रहा हूं, अ क्लोज कर्व दैट डज नॉट इंटरसेक्ट, अ क्लोज कर्व दैट डज नॉट इंटरसेक्ट इट सेल्फ इज कॉल्ड अ सिंपल क्लोज्ड कर्व। ठीक है, सिंपल क्लोज कर्व में मतलब वही होता है कि जब कर्व आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करे। एज एग्जांपल आप देखिए, फॉर एग्जांपल जैसे मैं मान लीजिए फिगर ले लेता हूं, कोई भी क्लोज कर्व ले लीजिए आप, जिसमें एक दूसरे को, चलो मैंने ये ले लिया, इसमें कहीं भी कोई आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं किया है। ठीक है, कोई और फिगर ले लीजिए, जैसे आप फिगर ले सकते हैं, कोई भी बना लीजिए आप, एक ट्रायंगल भी बना सकते हैं, चलो मैंने ये बना दिया, ये भी देखिए आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं किया। ठीक है ना, अच्छा कोई और ले लेते हैं फिगर, आप मान लीजिए हमने फिगर ले लिए, सर्कल भी बना लीजिए, कोई और फिगर बनाना चाहते हैं, ये भी आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं किया, क्लोज कर्व है, तो और भी कोई कर्व लेना चाहे तो आप ले लीजिए। तो हमने बात की कि एक क्लोज कर्व दैट डज नॉट इंटरसेक्ट इटसेल्फ इज कॉल्ड अ सिंपल क्लोज कर्व। अच्छा सिंपल क्लोज कर्व जैसे ये फिगर, जैसे ये सिंपल क्लोज कर्व नहीं होगा, कौन सा नहीं होगा, जैसे ये देखिए, मैं अगर ये फिगर ड्रा करूं, ठीक है ना, ये मैं लाइन ये खींचा मैंने, और ये, तो ये एक सिंपल क्लोज कर्व नहीं होगा। ठीक है ना, इट इज नॉट, क्यों नहीं होगा, बिकॉज इसमें जो इसकी साइड्स बन रही है वो एक दूसरे को क्या हो रहा है, एक दूसरे को कट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये क्या होगा, सिंपल क्लोज कर्व नहीं होगा। तो सिंपल क्लोज कर्व में एकदम कंप्लीटली यही होता कंडीशन कि कोई भी क्लोज कर्व जो कि जिसकी साइड्स आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करें, या कोई भी क्लोज कर्व दैट डज नॉट इंटरसेक्ट इटसेल्फ, अपने आप को कट ना करे, तो उसको क्या बोलते हैं, सिंपल क्लोज कर्व कहते हैं। तो सिंपल क्लोज कर्व में ये ले लीजिए, बाकी इस तरह से कोई भी आप कर्व के एग्जांपल बनाकर देख सकते हैं, और मैं आपको बताया कि कौन सा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया, ये सिंपल क्लोज कर्व नहीं होगा। ठीक है, अब आते हैं नया टॉपिक हमारे पास बनेगा, नेक्स्ट हमारे पास पॉलीगंस है। पॉलीगंस क्या होते हैं, पॉलीगंस होते हैं हमारे पास, एक क्लोज कर्व की बात करते हैं, क्लोज कर्व, अ क्लोज कर्व दैट मेट विद द लाइन सेगमेंट, अ क्लोज कर्व दैट मेट विद द लाइन सेगमेंट। पॉलीगंस उनको कहते हैं जिस जो कि ओनली क्लोज कर्व, कोई भी क्लोज कर्व ले लीजिए जो कि ओनली लाइन सेगमेंट के माध्यम से बने होते हैं, दैट इज कॉल्ड अ पॉलीगन। तो लिख लीजिए, अ क्लोज कर्व दैट, अ क्लोज कर्व दैट में विद लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट वनली इज कॉल्ड अ पॉलीगन। अ क्लोज कर्व दैट मेड विद द लाइन सेगमेंट वनली, ठीक है, लाइन सेगमेंट मतलब आप समझ लीजिए कि कोई भी कर्व ले लीजिएगा, क्लोज कर्व ले लीजिएगा, जो कि किससे बना होगा, जो ओनली लाइन सेगमेंट से बने होते हैं, वे कहलाते हैं पॉलीगंस कहलाते हैं। अब पॉलीगंस में क्या होते हैं, जो लाइन सेगमेंट्स होता है वो उसकी साइड्स कहलाती है। जैसे पॉलीगंस में आप ले लीजिए, क्लोज कर्व ले लीजिए, हमने ये क्लोज कर्व ले लिए, देखिए ओनली लाइन सेगमेंट से मिलकर बना होता है, ये लाइन सेगमेंट्स होते हैं। ठीक है ना, आप कोई स्क्वायर ड्रा कर लीजिए, ठीक है, कोई रेक्टेंगल ड्रा कर लीजिए, ओके, कोई आप रोम्बस, पैरेललोग्राम, कोई फिगर आप ड्रा कर लीजिए,
जो कि ओनली क्लोज फिगर्स हैं और लाइन सेगमेंट के माध्यम से बने होते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं? इसको पॉलीगन्स कहते हैं। ये इसकी साइड्स बोली जाती है, ठीक है ना? ये क्या होते हैं? इसके साइड्स हुआ करते हैं। तो एक बार आप इन दोनों डिफिनेशन को देखिए, मैं अब लेकर चलता हूं पॉलीगन्स भी कितने टाइप्स के होते हैं, मैं उसके बारे में डिस्कस करूंगा। एक बार नोट कीजिएगा, इस बार करते हैं पॉलीगन्स के टाइप्स ऑफ पॉलीगन्स में बात करते हैं। क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ पॉलीगन, टाइप्स ऑफ पॉलीगन, ठीक है ना? इसके दो टाइप्स होते हैं। कौन कौन सा होता है? पहला हमारे पास कॉनकेव पॉलीगन्स है। चलिए, कॉनकेव पॉलीगन्स क्या होते हैं? एक पॉलीगन ऐसा हो जिसमें कम से कम एक एंगल मोर देन 180 डिग्री हो, ठीक है ना? इसमें क्या होना चाहिए कॉनकेव पॉलीगन में? एटलीस्ट वन एंगल अ पॉलीगन इज सेड टू बी कॉनकेव पॉलीगन इन विच एटलीस्ट वन एंगल इज मोर देन 180 डिग्री, ठीक है ना? ए पॉलीगन्स अ पॉलीगन इज सेड टू बी कॉनकेव पॉलीगन इन विच एटलीस्ट वन एंगल इज मोर देन 180 डिग्री। बस इतना याद रखिएगा कि कॉनकेव पॉलीगन्स क्या होते हैं? कॉनकेव पॉलीगन में एटलीस्ट वन एंगल इज मोर देन 180 डिग्री होना चाहिए। दैट इज कॉल्ड कॉनकेव पॉलीगन। कोई फिगर देख लीजिए जो कि आपको देखने पर लग जाए कि कॉनकेव होगा, कॉनकेव पॉलीगन होगा, ठीक है ना? दैट एटलीस्ट है ना, एटलीस्ट वन एंगल इज मोर देन 180 डिग्री होगा। तो आप एक फिगर देख लीजिए, जैसे मान लीजिए मैंने आपको फिगर कोई बना दिया, चलो ये देख लेते हैं, ये फिगर देखते हैं। इसका एक्सटीरियर एंगल तो 180 डिग्री से कम है, लेकिन इंटीरियर एंगल देखा जाए, यह एंगल मोर देन कितना है? मोर देन 180 डिग्री है कि नहीं? इस फिगर में देखिए, ये क्लोज कर्व हो गया। क्लोज कर्व में इस एंगल को बस इसको बंद कर देते हैं, ये क्या है? मोर देन 180 डिग्री। देख लीजिए 180 डिग्री इतना ही होगा, तो 180 डिग्री से ज्यादा है, तो कम से कम किसी भी क्लोज फिगर में कम से कम एक एंगल, ज्यादा ज्यादा दो हो जाए, फिर दो अगर 180 डिग्री से हो जाएगा तो वो पहले तो वो कर्व नहीं बनाते हैं, ठीक है ना? तो वो आपका वो जो पॉलीगन्स होगा फोर साइडेड नहीं होगा, क्योंकि फोर साइडेड में तो 360 बनता है, तो मोर देन 180 डिग्री तो इस तरह के थ्री फिगर में, थ्री साइडेड फिगर में पॉसिबल नहीं है। तो मैंने यहां पर एक छोटा सा पहले एग्जांपल लेकर चला हूं, तो कोई भी क्लोज कर्व जिसका एक एंगल मोर देन 180 डिग्री हो, दैट इज कॉल्ड, क्या बोले जाएंगे उसको? कॉनकेव पॉलीगन बोलते हैं, ठीक है? दूसरा टाइप लेकर चलते हैं हम, कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या है? कॉन्वेक्स पॉलीगन में ए पॉलीगन इज सेड टू बी कॉन्वेक्स पॉलीगन इन विच ईच एंगल इज लेस देन 180 डिग्री। सिंपल वाला जो कि आप लोग पढ़ना है, आपको पढ़ना भी अधिकतर इसी तरह की क्वेश्चंस को। तो कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या होते हैं? इसमें होता है ईच एंगल इज लेस देन, ठीक है ना, इज लेस देन 180 डिग्री। इसमें क्या होते हैं? इसमें होता है 180 डिग्री से कम एक एंगल 180 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए, और इसमें क्या होते हैं? ईच एंगल इज लेस देन 180 डिग्री। अ पॉलीगन इज सेड टू बी, अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहें तो लिख सकते थे, अ पॉलीगन इज सेड टू बी कॉन्वेक्स पॉलीगन इन विच ईच एंगल इज लेस देन 180 डिग्री। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहें, फिगर मैं एक बना देता हूं, यहां पर भी आपके एक एग्जाम्पल्स थे, ठीक है, और इसमें भी एक एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे कि इस एग्जाम्पल को देखकर पहचान जाए कि कॉन्वेक्स है या कॉनकेव है। तो जैसे आप ले लीजिए ट्रायंगल, ले लीजिए हमने ट्रायंगल ले लिए, ट्रायंगल के सारे एंगल क्या होते हैं? 180 डिग्री से कम होते हैं। सारे एंगल कितना होते हैं? 180 डिग्री से कम होगा, है ना? एक आप ले लीजिए क्वाड्रिलेटरल ले लीजिए, आप स्क्वायर ले लीजिए, चलिए स्क्वायर ले लेते हैं, सॉरी ये रेक्टेंगल बन गया, ठीक है ना? तो रेक्टेंगल बन गया, रेक्टेंगल में क्या होते हैं? रेक्टेंगल में ईच एंगल इज 90 डिग्री यहां बनता है ना, 90 डिग्री बनता है, तो सारे एंगल क्या 180 डिग्री से लेस देन है। तो एक ट्रायंगल हो गया, एक रेक्टेंगल्स हो गया, और कोई फिगर आप बनाना चाहें, आप कोई भी फिगर बना लीजिए। देखिए जैसे ये फिगर आप में देखिए, इसमें क्या होगा? इस फिगर को अगर देखा जाए, ये क्लोज कर्व है, इसमें देखा जाए तो इसमें हर एक एंगल, ये एंगल जो बनेगा
वो एंगल आपका क्या होगा, ये एंगल 180 डिग्री से कम है। तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स आप याद रखिए कि कॉनकेव में 180 डिग्री ज्यादा होना चाहिए और कॉन्वेक्स में क्या होना, 180 डिग्री से कम होना चाहिए, क्योंकि इस पर भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, तो चलिए इस पॉइंट को भी आप नोट कर लीजिए, अगला पॉइंट लेकर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट लेकर चलते हैं डेफिनेशन, रेगुलर पॉलीगन। चलिए स्टार्ट करते हैं अगला पॉइंट, रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन क्या होते हैं? अ पॉलीगन व्हिच हैव ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल हो। इसमें क्या होंगे, ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल। इसमें क्या होते हैं, सारे साइड्स एंड सारे एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ऐसे पॉलीगन को रेगुलर पॉलीगन कहा करते हैं। अगर एग्जांपल आप देखें, फॉर एग्जांपल, एग्जांपल में आप एक इक्विलेटरल ट्रायंगल को ले लीजिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल याद है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल रेगुलर पॉलीगन का एग्जांपल हो सकता है। जैसे देखिए इक्विलेटरल में सारे साइड्स है ना और सारे एंगल क्या होते हैं, साइड्स भी बराबर होते हैं और सारे एंगल कितना कितना डिग्री का होता है, 60 डिग्री 60 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल, और भी कोई एग्जांपल आप लेना चाहें, एक स्क्वायर भी ले सकते हैं, है ना। एक स्क्वायर को भी देख लीजिए, स्क्वायर में क्या होते हैं कंडीशन, स्क्वायर में भी आप देख सकते हैं सारे साइड्स और सारे एंगल क्या होते हैं, इक्वल हुआ करते हैं। ठीक है ना, तो ये आपका स्क्वायर हो गया जिसमें सारे एंगल 90 डिग्री हो गया और सारे साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ऐसे पॉलीगन जिसमें ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल हुआ करते हैं, तो ऐसे पॉलीगन्स को हम रेगुलर पॉलीगन बोलते हैं। ठीक है, और दूसरा इसका अपोजिट जो आएगा वो इरेगुलर पॉलीगन होगा। इरेगुलर पॉलीगन में क्या होगा, फिर जिसके साइड्स, इरेगुलर पॉलीगन में क्या होगा, जिसके सभी साइड और सभी एंगल क्या इक्वल नहीं, जिसके सभी साइड और सभी एंगल इक्वल नहीं हो। जैसे एग्जांपल अगर इरेगुलर पॉलीगन लेते हैं तो आप ले लीजिए रेक्टेंगल को ले ले, है ना, रेक्टेंगल एग्जांपल ले ले। रेक्टेंगल में क्या होगा, देखिए सारे साइड तो इक्वल होते नहीं भाई, इसके दो ही साइड तो आपको अपोजिट साइड ही तो इक्वल होते हैं, ये इसके इक्वल हो गया, ये इसके इक्वल हो गया। ठीक है ना, तो इसमें क्या होना चाहिए, अब एंगल तो 90 हो जाएगा, एंगल 90 आप बोल सकते हैं, लेकिन क्या होना चाहिए कंडीशन, कंडीशन क्या होना चाहिए, रेगुलर के अकॉर्डिंग देखिए ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल होना चाहिए। तो इसमें भी अपोजिट अगर भी चलेंगे तो सारे साइड और सारे एंगल इक्वल नहीं होना चाहिए, इसमें तो ओनली दो ही साइड आपस में इक्वल है। तो ऐसे कोई भी एग्जांपल्स क्या बनाएंगे, ये बनाते हैं इरेगुलर पॉलीगन्स बनाते हैं। ठीक है ना, इरेगुलर पॉलीगन आपने देख लिया, रेगुलर पॉलीगन देख लिया। अब हमारे पास दूसरा पॉइंट जो आता है, किसी भी रेगुलर पॉलीगन्स के और कॉन्वेक्स पॉलीगन्स के सम ऑफ एंगल निकालना हो, सम ऑफ ऑल साइड्स निकालनी हो, तो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो हम यहां पर नेक्स्ट पॉइंट लेकर चल रहे हैं, नेक्स्ट पॉइंट, रेगुलर पॉलीगन में सम ऑफ इच एक्सटीरियर एंगल कैसे फाइंड करेंगे। मैं यहां लिख रहा हूं, इन अ रेगुलर पॉलीगन, इन अ रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, एक रेगुलर पॉलीगन की बात कर रहा हूं, और रेगुलर पॉलीगन में एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल, आपको मैं भी से बता देता हूं, एक ट्रायंगल ले लीजिए, सपोज कीजिए एक ट्रायंगल हो गया, है ना, एक ट्रायंगल, इसमें देखो ये आपके सारे जो अंदर वाला बनेगा, इसको इस तरह के एंगल को बोलते हैं इंटीरियर एंगल। क्या बोलते हैं, इंटीरियर एंगल बोलते हैं। ठीक है, ये सारे इंटीरियर एंगल जो अंदर बनेगा, और जो बाहर बनेगा, जैसे ये वाला जो हो गया, इसके इस एंगल के बाहर में क्या बना, ये बन गया, इसके बाहर में ये बन गया, इसको क्या बोलते हैं, एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल। तो हमें पूछा जाता है कि कोई रेगुलर पॉलीगन है, रेगुलर पॉलीगन है चाहे एन साइडेड हो, चाहे थ्री साइड के हो, देखिए थ्री साइड का है, फोर साइड का है, फाइव साइड का है, तो इसके हर एंगल कितने कितने डिग्री का होगा। ठीक है, तो यहां पर फॉर्मूला याद रखिएगा, इन रेगुलर पॉलीगन एच एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन एन। इच एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, याद रखिएगा, ये फॉर्मूला है आपके लिए, फॉर्मूला, ठीक है ना, ये फॉर्मूला हमने लिखे,
इस एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, टू फाइंड एक्सटीरियर एंगल, इच एक्सटीरियर एंगल इन रेगुलर पॉलीगन वे इज इक्वल टू, देखिए क्या होगा, इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन एन, यहां मैं लिख देता हूं एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन, या उस पॉलीगन में अगर वो रेगुलर पॉलीगन है तो उस पॉलीगन के कितने साइड पे, जैसे यहां पूछा जाए कि एक्सटीरियर एंगल कितने कितने डिग्री का होगा, तो देखिए 360 डिग्री अपॉन एन, एन की प्लेस पर कितने साइड का ट्रायंगल है, ये थ्री साइडेड ट्रायंगल है, तो आप अगर थ्री से डिवाइड करते हैं, देखिए अगर हम पान ले पूछे फॉर एग्जाम्पल, यहां पर भी मैं लेके बता देता हूं, फॉर एग्जाम्पल, ओके फॉर एग्जाम्पल इन ए इक्विलेटरल ट्रायंगल, याद रखिएगा पूरा कंप्लीटली, ठीक है ना, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन स्टार्ट होता है, अप टू 10th में क्या है 12th तक यूज करना पड़ता है, मैंने 11th क्लास में भी एक क्वेश्चन इस पर बना हुआ है, तो ध्यान दीजिएगा इन इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात करते हैं, इन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल यह है, ठीक है ना, हैविंग थ्री साइड होती है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में इच एक्सटीरियर एंगल, अगर आपसे पूछा जाए कि आप बताइए एक्सटीरियर एंगल कितने डिग्री का है इक्विलेटरल ट्रायंगल में, तो इच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन 3, वाई 3, 3 क्यों, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल कितने होता है, साइड्स कितना होता है इसमें, 3 साइड्स होते हैं ना, 3 साइड्स वाले भाई, इक्विलेटरल ट्रायंगल 3 साइड्स के होते हैं, तो इच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन 3, कैंसिल कर लें तो ये कितना आ जाएगा 120 डिग्री, तो इसके ये जो एंगल बनेगा अगर ये 60 है तो आउटसाइड मिलकर कितना 120 बन जा रहा है, तो याद रखिएगा तो ये अगर है ईस्ट एक्सटीरियर एंगल कितना बनेगा 120 डिग्री बनेगा, ठीक है ना, 120 डिग्री बनता है। अच्छा जी अब हम आगे बात करते हैं, अगर एक्सटीरियर की बात कर लिए तो इंटीरियर कितना होगा, यहां पर ये पहला पॉइंट हो गया, दूसरा फॉर्मूला मैं लेकर चलता हूं, एज इंटीरियर इंटीरियर एंगल, अगर आपसे पूछा जाए टू फाइंड एज इंटीरियर एंगल तो क्या करेंगे आप, 180 डिग्री, जैसे देखिए 120 डिग्री इसका ये बाहर वाला हुआ और अंदर वाला कितना 60 डिग्री है, तो दोनों का सम कितना हो गया, दोनों का सम कितना हो गया 180 डिग्री, तो 180 डिग्री हुआ, तो 120 को अगर 180 डिग्री से माइनस कर दें तो आपको इंटीरियर वाला मिल जाएगा, तो यहां पर एच इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 माइनस एच एक्सटीरियर एंगल, ये किसकी बात कर रहा हूं मैं, यह इज एक्सटीरियर एंगल, मतलब ये मैं बात कर रहा हूं, ये आपको एंगल फाइंड करने के लिए रेगुलर पॉलीगन की बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं, रेगुलर पॉलीगन की, तो याद रखिएगा एक रेगुलर पॉलीगन में इस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन एन होते हैं, जहां एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड हुआ करते हैं, और इंटीरियर एंगल अगर आपको फाइंड करना हो तो 180 डिग्री में से आप एक्सटीरियर एंगल को माइनस कर लीजिएगा, आपको क्या मिल जाएगा, एच एंटीरियर एंगल आप पता कर सकते हैं, किसके, रेगुलर पॉलीगन की बात कर रहा हूं। अगला पॉइंट हमारे पास हो जाएगा, हम अगले पॉइंट को लेकर चलते हैं, कॉन्वेक्स पॉलीगन अगर हमारे पास हो तो, कॉन्वेक्स पॉलीगन, ये मैंने रेगुलर पॉलीगन में एक एग्जांपल लिया था, आप किसी और एग्जांपल को भी लेकर ट्राई कर सकते हैं, तो मैं अगला पॉइंट लेकर चलता हूं, कॉन्वेक्स पॉलीगन, कॉन्वेक्स पॉलीगन के बारे में याद है आपको, कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या होते हैं, कॉन्वेक्स पॉलीगन में इच इंटीरियर एंगल इज लेस देन 180 डिग्री, अ पॉलीगन व्हिच है इच इंटीरियर एंगल इज लेस देन 180 डिग्री, जिसके सारे एंगल 180 डिग्री से कम होते हैं वो क्या बनाते हैं, कॉन्वेक्स पॉलीगन बनाते हैं, क्या बनाते हैं, कॉन्वेक्स पॉलीगन बनाते हैं, ठीक है ना, कोई भी आप ले लीजिए, क्वाड्रेटर ले लीजिए, स्क्वायर ले लीजिए, आपने स्क्वायर भी ले ली भाई, स्क्वायर भी आप ले लीजिए, रेक्टेंगल ले लीजिए, चलिए हमने एक रेक्टेंगल भी ले सकते हैं, ये भी क्या होगा, इच इंटीरियर क्या 90 डिग्री से लेस, 90 डिग्री है ना, तो 180 डिग्री से लेस देन है, जिस पॉलीगन के सारे एंगल लेस देन 180 डिग्री हो दैट इज कॉल्ड कॉन्वेक्स पॉलीगन, अभी बताया गया था आपको, तो ये कॉन्वेक्स पॉलीगन में अगर हमसे पूछा जाए कि सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल और सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, क्वेश्चन पूछता है इस पर, तो याद रखिएगा टू फाइंड, यहां पर पहला पॉइंट है सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू, आप याद रखिएगा सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 4 इंटू 90 डिग्री, मतलब आप याद रखिए 360 डिग्री होना चाहिए, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू कितना होना चाहिए 360 डिग्री होना चाहिए। दूसरी पॉइंट लेकर चलते हैं, सम ऑफ ऑल इंटीरियर, सम ऑफ ऑल एंटीरियर
एंगल, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल इन ए किसमें, किसी पॉलीगन्स की बात कर रहा है, किसी पॉलीगन में सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल कितना होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, 2n माइनस 4 इंटू 90 डिग्री, 2n माइनस 4 इंटू 90 डिग्री। जैसे जैसे मान लीजिए ये आपने रेक्टेंगल ले लिया, ठीक है, रेक्टेंगल में आपको पता है कितना पता है कि रेक्टेंगल चार साइडेड का, फोर साइडेड का है, इसके सारे एंगल 90 90 90 90 है, तो 90 90 90 सबको ऐड कर दें तो कितनी 90 है, 4 बार 90, तो मतलब कुल मिलाकर अगर देखा जाए रेक्टेंगल के इंटीरियर एंगल का सम 360 हो। अब इस फॉर्मूले से पता करना हो, जैसे मान लीजिए आपसे एग्जाम्पल लेके चल रहा हूं, यहाँ एक एग्जाम्पल ले लीजिए, आपसे पूछा जाए फाइंड द सम ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल पूछ दिया या ऑफ रेक्टेंगल पूछ दिया, ऑफ ए रेक्टेंगल, ओके, आपसे पूछ दिया फाइंड द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेक्टेंगल, ओके, रेक्टेंगल पूछ दिया, रेक्टेंगल में कितनी साइड होती है, फोर साइडेड होती है, तो इसका जो सोल्यूशन आप करेंगे कैसे करेंगे, सबसे पहले साइड्स कितने होते हैं, साइड्स इन रेक्टेंगल एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4, बिकॉज रेक्टेंगल में आपके चार साइड होते हैं, तो सम ऑफ ऑल एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लिखेंगे यहां पर सम ऑफ ऑल एंगल, सम ऑफ ऑल एंगल्स इन अ रेक्टेंगल, ओके, सम ऑफ ऑल एंगल इंटीरियर एंगल इन अ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2n माइनस 4 इंटू 90 डिग्री, ओके 90 डिग्री होता है, n की प्लेस पर अगर 4 रख देते हैं तो कितना आ जाएगा, 2 इंटू 4 माइनस 4 इंटू 90 डिग्री, विच इज इक्वल टू 248 माइनस 4 इंटू 90 डिग्री, विच इज इक्वल टू 4 इंटू 90 डिग्री, दैट मीन 360 डिग्री, 360 डिग्री। ये फॉर्मूला थोड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इसका ज्यादातर यूज किया गया है। तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल इन ए कॉन्वेक्स पॉलीगन या पॉलीगन, आप याद रखिएगा इंटीरियर एंगल का पॉलीगन का कोई पॉलीगन दिया है उसके सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल पता, अंदर वाले एंगल को पता करना होगा कितने डिग्री का एंगल बनेगा टोटल, तो आप निकालेंगे 2n माइनस 4 इंटू 90 डिग्री। याद रखिएगा n इज इक्वल टू जो होते हैं वो नंबर ऑफ साइड्स हुआ करते हैं, नंबर ऑफ क्या होते हैं, साइड्स ऑफ पॉलीगन्स का, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन्स के हो जाएंगे, ठीक है। और जैसे मैंने यहाँ पर पूछे थे कि इंटीरियर एंगल निकालना है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ है किसका, रेक्टेंगल का निकालना है, तो n के प्लेस पर 4 पुट कर दिया, बिकॉज रेक्टेंगल में कितने साइड होते हैं, 4 होते हैं, तो 4 इंटू 2 माइनस 4 कैलकुलेट कर लीजिए 360 डिग्री होता, वैसे भी हम जानते हैं 360 डिग्री है, ऐसे ही किसी पेंटागन में कितना बनता है, हेक्सागन में कितना बनता है, आप इसमें फाइंड कर इसमें वैल्यू पुट कर लीजिए, एन अगर मान लीजिए आपको 5 दे दिया कि 5 साइड वाले कोई पॉलीगन्स है उसमें कितना डिग्री बनेगा, ठीक है ना, मान लीजिए आपसे पूछा गया हो कि मैं यहां पर रख देता हूं, ठीक है, ये रख कर दिया, इसके पॉइंट के बाद आप नोट कर लीजिए, एक एग्जांपल हमने ले लिया यहां पर, ये एग्जांपल नंबर 1 है, मान लीजिए यहां पर पूछा गया ए एन इज इक्वल टू 5 है, 5 5 वाला पेंटागन बनता है, तो उसके इंटीरियर एंगल का सम कितना बनेगा, तो एन इज इक्वल टू 5 के लिए फिर यही फॉर्मूला अप्लाई करिएगा, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 2n माइनस 4 इंटू 90 डिग्री, और आप यहां पर अगर 5 साइड दे दिया है तो आप रख दीजिए 2 इंटू 5, ठीक है ना, 2 इंटू 5 माइनस 4 इंटू 90 डिग्री, एंड 2 इंटू 5 इज 10 माइनस 4 इंटू 90 डिग्री, विच इज इक्वल टू 6 इंटू 90 डिग्री, दैट मीन्स 540 डिग्री। तो सम ऑफ ऑल एंगल्स अगर पूछा जाए, ऑल इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 540 डिग्री आएगा, किसमें आएगा, अगर वो आपके n इज इक्वल टू 5 साइड का है, पेंटागन है, हेक्सागन ले लीजिए 6 साइड का, कितने एंगल बनता है सम, आप इन अंदर के जितने एंगल बनेंगे उसका सम कितना होगा तो पता चल जाएगा, तो इसका इंपॉर्टेंट है, इस फॉर्मूले का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इस फॉर्मूले को पहले नोट कर लीजिएगा और कंप्लीट टॉपिक आप एक बार नोट कर लीजिए इसको। चलिए
अभी हमने पॉलीगन्स के बारे में और कर्व के बारे में पढ़ लिए थे, तो हम उसके बेस पर कुछ एग्जांपल्स लेकर चल रहे हैं। एक्सरसाइज में आपके जो क्वेश्चंस मेंशन किया गया, पहला क्वेश्चन वो सेम टू सेम वैसे ही जैसे हमने क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किए गए थे। तो आपको कितना जानकारी मिला, अभी हमने जो टॉपिक लेकर चले थे कितना आपको पता चला कि हमारे पास कैसे क्लोज कर्व होते हैं, सिंपल क्लोज कर्व कौन सा होगा, कॉन्वेक्स कॉनकेव पॉलीगन्स कैसे बनते हैं और किस कैसे आप उनकी पहचान करेंगे। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इसमें आपको आइडेंटिफाई करनी है, जो आपको फिगर दिया गया है, ठीक है, ये पूरी फिगर्स आपके से 8 फिगर्स हैं। इसमें आपको बताना सिंपल कर्व, सिंपल क्लोज कर्व एंड पॉलीगन्स, ठीक है, नेक्स्ट कॉन्वेक्स पॉलीगन एंड कॉनकेव पॉलीगन, ठीक है। सिंपल कर्व में हम सबसे पहले बात करते हैं, सिंपल कर्व में हम उन कर्व को लेकर चलेंगे। पहले तो देख लीजिए, सिंपल क्लोज कर्व और सिंपल कर्व में ज्यादा अंतर है नहीं। सिंपल कर्व में भी आपस में क्या होना चाहिए, इंटरसेक्ट तो नहीं करना चाहिए। तो शुरुआत करते हैं, कौन कौन सा हमारे पास इसमें जो कर्व है, इसमें कौन कौन सा कर्व सिंपल कर्व है। तो सिंपल कर्व देखिए, ये आपस में कहीं एक दूसरे को टच नहीं कर रहा, मतलब दे डू नॉट इंटरसेक्ट विथ ईच अदर, मतलब उसके साइड्स आपस में कट नहीं कर रहे हैं। तो ये हो गया सिंपल कर्व में कौन कौन सा हो गया, 1 नंबर। नंबर 2 भी नहीं कट कर रहा है, तो नंबर 2 हो गया, ओके। और देखिए सिंपल कर्व में, सिंपल कर्व की बात कर रहा है, तो नंबर 5 हो जाएगा सिंपल कर्व में, ओके, नंबर 5 भी हो जाएगा, नंबर 6 हो जाएगा, 1, 2, 1, 2, 5, 6 एंड 7, 7 नहीं कट कर रहा है, तो ये आपके सिंपल कर्म में हो गए। ये देखिए कट कर रहे हैं, बाकी आपके सिंपल कर्म नहीं माने आएंगे, ठीक है ना, कॉम्प्लिकेटेड बना रहे होंगे तो वो सिंपल कर्म में नहीं आएंगे। सेम सिंपल क्लोज कर्व भी यही बनेगा, देखिए सिंपल क्लोज कर्व ये हुआ, ये सिंपल क्लोज कर्व हुआ 1, सिंपल क्लोज कर्व, क्लोज भी हो कंडीशन में लेकर चल रहे हैं, 1, 2, उसके बाद हमारे पास हो गए 5 हो गए, 6 हो गए, है ना, 6 वाला है सिंपल क्लोज कर्व एंड 7, सेम बन गया सिंपल क्लोज कर्व बन जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट लेकर चलते हैं पॉलीगन। पॉलीगन क्या होते हैं, अ क्लोज कर्व विच मेड अप विद लाइन सेगमेंट। अ क्लोज कर्व जो कि ओनली लाइन सेगमेंट से बनता हो, क्या होते हैं, पॉलीगन्स हुआ करते हैं। तो लाइन सेगमेंट से कौन कौन बना हुआ है, देखिए लाइन सेगमेंट से बना है ना, ये लाइन से बना हुआ है, तो लाइन सेगमेंट से बनने वाला ये हुआ हमारे पास फर्स्ट वाला, लाइन सेगमेंट से बना हुआ नंबर 2, देखिए लाइन सेगमेंट से बना हुआ, तो यह हो गया नंबर 2 जो कि पॉलीगन्स हुआ। और लाइन सेगमेंट से कौन बना, ये भी बना है लाइन सेगमेंट, ऐसा कुछ बाउंडेशन नहीं है कि सिंपल हो क्लोज हो, ऐसा तो कुछ नहीं कहा, इसमें ओनली बोला पॉलीगन्स है, तो पॉलीगन में ये देखिए लाइन सेगमेंट से बना हुआ, लाइन के माध्यम से जो बना होता है, लाइन द्वारा जो खींची गई फिगर होते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं पॉलीगन बोला करते हैं। तो एक फिगर हुआ, 2 फिगर हुआ, ये फोर्थ हुआ है ना, उसके बाद कहीं लाइन से नहीं बना, कर्व के माध्यम से बना, कुछ ऐसे खींच दिए, लाइन सेगमेंट नहीं है, इसमें भी देखिए लाइन नहीं है क्योंकि कर्व इसमें सेफ है, इसमें ओनली एक लाइन, लेकिन बाकी क्या है, कर्व है, ओनली लाइन सेगमेंट से बनने वाले, ओनली लाइन सेगमेंट से बनने वाले जो फिगर होते हैं वही पॉलीगन होंगे, ठीक है। अच्छा जी, चलिए पॉलीगन आइडेंटिफाई हो गया। नाउ कॉन्वेक्स पॉलीगन की बात करते हैं, कॉन्वेक्स पॉलीगन कौन सा हुआ। अच्छा, कॉन्वेक्स पॉलीगन होता क्या था, कॉन्वेक्स पॉलीगन का मतलब होता था इच इंटीरियर एंगल इज लेस देन 180 डिग्री, हर एक एंगल क्या होना चाहिए 180 डिग्री से कम होना चाहिए, है ना, हर एक एंगल 180 डिग्री से कम होगा उसको बोलते हैं कॉन्वेक्स पॉलीगन। अब देखिए इसमें क्या हर एक एंगल 180 डिग्री से कम है, 180 डिग्री से कम है क्या, देखिए ये एंगल देखें तो 180 डिग्री से कम है, ये भी 180 डिग्री से 90 दिख रहा है, ये भी 180 डिग्री से कम है, ये भी 180 डिग्री से कम है, लेकिन ये वाला एंगल ये 180 डिग्री से कम नहीं है, इसका मतलब ये कॉन्वेक्स नहीं होगा, नहीं होगा, बिकॉज ये क्या है, ये एंगल देखिए 180 डिग्री ज्यादा है, तो ये कॉन्वेक्स नहीं होगा, ये क्या हो गया, कॉनकेव हो गया, तो कॉनकेव मिल गया, चलिए हम साथ साथ कॉनकेव ले लिए, कॉनकेव में तो अपोजिट होता है, कम से कम एक एंगल क्या होना चाहिए 180 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए, तो ये कॉनकेव हो गया, कॉन्वेक्स नहीं हुआ, ठीक है ना, ये कॉन्वेक्स नहीं हुआ। दूसरा वाला देखिए, दूसरे वाले में देखा जाए तो ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल और ये एंगल, हर एक एंगल 180 डिग्री से कम लग रहा है, इसका मतलब ये दूसरा वाला जो फिगर होगा वो पॉलीगन बन जाएगा कॉन्वेक्स का, ठीक है। तीसरा तो बनेगा नहीं, बिल्कुल पॉलीगन है ही नहीं। फोर्थ वाले में देखते हैं ये कौन सा बनेगा, कॉन्वेक्स बनेगा या कॉनकेव पॉलीगन बनेगा। तो फोर्थ में देखिए, अगर ऐसे एंगल देखेंगे तो 90 ये 180 डिग्री से कम मिलेगा, लेकिन एक एंगल और बन रहा है, जैसे देखिए ये एंगल देखिए, इस एंगल को देखा जाए, ये एंगल, ये लाइन और ये लाइन मिलकर बन रहा है, देखिए ये लाइन अगर खींच ले, इस लाइन को देखा जाए और इस लाइन को देखा जाए, तो ये जो एंगल बनेगा वो क्या होगा, 180 डिग्री से ज्यादा होगा, तो ये जो आपका फिगर हुआ वो कॉनकेव होगा, मतलब फोर्थ वाला जो फिगर होगा वो कॉनकेव होगा, कॉन्वेक्स नहीं होगा, क्या होगा, कॉनकेव होगा।
और कोई कॉनकेव बनेगा? नहीं, ओनली हमारे पास कॉनकेव और कोई तो है नहीं, ओनली 1, 2, 4 ही पॉलीगन है। 1, 2, 4 पॉलीगन होने पर हमारे पास कॉन्वेक्स और कॉनकेव में कौन सा आएगा? 1, 2, 4 में आपका 1 हो गया कॉनकेव हो गया और फोर्थ कॉनकेव हो गया, लेकिन 2 वाला क्या हो गया? कॉन्वेक्स पॉलीगन हो गया। एक बार कंप्लीटली इसको नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर चलते हैं। हाउ मेनी, क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी डायगोनल्स डज ईच ऑफ द फॉलोइंग है? वही क्वेश्चन उसी जैसा ही है, बस इसमें डायगोनल्स के बारे में पूछा है। डायगोनल्स किसके बारे में? अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है, जिसमें कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल का मतलब समझ रहे ना, 180 डिग्री से लेस देन हर एक एंगल होगा। अच्छा जी, और रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर हेक्सागन मतलब उसके सारे साइड और सारे एंगल इक्वल होंगे, और हेक्सागन है तो कितने साइड का होगा? हेक्सागन मीन 6 साइडेड एक पॉलीगन आपके पास है। और लास्ट में पूछा है ट्रायंगल के, ट्रायंगल में कितने आपके, कितना डायगोनल्स पूछा गया है, इन सभी फिगर्स में कितने कितने डायगोनल्स होंगे। ठीक है, तो डायगोनल्स आप जानते हैं, डायगोनल्स क्या होता है? जिसमें दो साइड को, किसी भी दो वर्टिसेस, टू वर्टिसेस को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है उसको क्या बोलते हैं? डायगोनल्स बोला करते हैं। जैसे हम यहां पर कॉन्वेक्स क्वाड्रेटर लेकर चलते हैं और उसमें एक डायगोनल खींचते हैं, आप देख भी लेंगे डायगोनल है कि नहीं। ठीक है ना, तो चलिए क्वाड्रेटर देखिए, एक काम कोई भी क्वाड्रेटर ले लीजिए। क्वाड्रेटर का मतलब हमारे पास आया तो स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी, कोई भी फोर साइडेड जो पॉलीगन्स होंगे वो क्वाड्रेटर माने जाते हैं। तो चलिए हम इसमें लेते हैं क्वाड्रेटर, हमने ले लिए, कोई भी फिगर आप खींच लीजिए, है ना, ये जरूरी नहीं कि रेक्टेंगल हो, कोई भी फिगर हो। चलो हमने ए बी सी डी एक हमने क्वाड्रेटर ले लिए, इसमें कितने डायगोनल बनेंगे? एक वर्टिसेस देखिए, ये हमारे पास है एंडिंग पॉइंट, इस वर्टिसेस की किसी दूसरी वर्टिसेस को ज्वाइन कर दे तो एक हुआ डायगोनल, ये क्या बोले जाते हैं? डायगोनल बोले जाते हैं। और दूसरे पॉइंट, इस पॉइंट को इससे ज्वाइन कर दीजिए, और किसी तरीके से आप ज्वाइन नहीं कर सकते, एंडिंग एक वर्टिसेस को दूसरे वर्टिसेस से ज्वाइन कर रहे हैं, तो ऐसे जब ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है उसको डायगोनल बोला करते हैं। तो एक क्वाड्रिलेटरल में, क्वाड्रिलेटरल में कितने डायगोनल हुए? ए सी और बी डी। तो यहां पर ए सी एंड बी डी टू क्या है? डायगोनल्स है। ए सी एंड बी डी आर टू डायगोनल्स है। तो क्वाड्रिलेटरल में, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में कितने डायगोनल हुए? टू डायगोनल्स हुए। चलिए नेक्स्ट लेकर चलते हैं, ये हमारे पास ए पार्ट था। बी पार्ट में पूछा है अ रेगुलर हेक्सागन, हेक्सागन मीन सिक्स साइडेड का एक पॉलीगन बनाना है। तो चलिए बनाते हैं सिक्स साइडेड का एक पॉलीगन। 1, 2, 3 ओके, थोड़ा स्टेढ़ा बना लेते हैं, थोड़ा अच्छा दिखेगा। 1 है ना, 1 चलिए फिगर ही तो बनाने में दिक्कत आती है मैथमेटिक्स वालों को। चलिए 2 ये हो गया कितना, अरे भाई दिख रहा है ना, ये साइड एक हो गई, 1, 2, 3, 4, 5 चलो हमने एक काम कर देते हैं, थोड़ा सा इसको हम टेढ़े ले लिए होते तो और अच्छा बन जाता यार। एक ये ले लीजिए, एक ये ले लीजिए और एक ये ज्वाइन कर दिए। ओके देखिए, ए ये मान लीजिए, ये पॉइंट मान लीजिए बी, ये पॉइंट ले लीजिए सी, ये पॉइंट ले लीजिए डी, ये पॉइंट ले लीजिए ई और ये पॉइंट लीजिए एफ। कितने डायगोनल्स बनेंगे एक वर्टिसेस को दूसरे से ज्वाइन करते हैं, देखते हैं कितने डायगोनल बनते हैं। चलिए हम सबसे पहले इसको तो इससे ज्वाइन नहीं करेंगे, नहीं, जब भी ज्वाइन करेंगे वर्टिसेस इससे से ज्वाइन होगा, तो ए से जो ज्वाइन होगा, देखिए ए से सी होगा, ए से डी होगा और ए से ई हो गया, हो गया 1, 2, 3 डायगोनल निकला। अब बी से देखिए, बी से एफ हो गया, बी से ई हो गया और बी से डी हो गया, 3, 3, 6 निकला। ठीक है, ए बी और सी से देखते हैं, सी से ए ऑलरेडी ज्वाइन है, सी से एफ ज्वाइन कर लेते हैं, सी से एफ ज्वाइन कर लिए, सी से ई ज्वाइन कर लीजिए। ओके सी से ई, अब देखिए कितने हुए कुल मिलाकर, अभी 1, 2, 3, 4, 5, 6 काउंट कर लीजिएगा, है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 देख लीजिए फिर से, ये लाइन 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, है ना, और अच्छा ये 6 हो गया, 6 ही हुआ अभी क्या, 6 हुआ, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ओके, अच्छा 6 हुआ, ये लाइन काउंट हो गई, ये एक आपका ये होगा 7 हो जाएगा, है ना, 7 होगा ना, यह हो गया 8 हो गया, देखो ये लाइन 1 हो गई, ये 2 हो गई, ये 3 हो गई, ये 4 हो गई, ये 5 हो गई, ये 6 हो गई, ये लाइन काउंट नहीं होगी, तो ये काउंट हो सकती है, 6 हो गई, ये 7 हो गई, 7 के बाद ये लाइन हो गई, 8 हो गई। अभी आप देखिए और किसी ज्वाइन करके देखिए कुल मिलाकर कितना, एक और बन सकता है कि नहीं बन सकता है? अगर डी से देखा जाए तो डी से भी तो ज्वाइन हो जाएगा, डी से 9 हो गया, 9 हो गया,
और एक किसी और से देखिए ई से इसको ज्वाइन ऑलरेडी है, ये भी ज्वाइन है, ये भी ज्वाइन है, तो ऑलरेडी ज्वाइन है, एफ से भी तीनों पॉइंट ज्वाइन है, तो हमारे पास जो टोटल डायगोनल बना, तो टोटल डायगोनल्स कितनी बनी इसमें, टोटल डायगोनल्स इज 9, ओके। एक वर्टिसेस से दूसरे वर्टिसेस को ज्वाइन कर लीजिए, ज्वाइन करते इसमें काउंट कर लीजिए कितने डायगोनल्स बनेंगे, इसमें 9 बन जाएंगे, क्लियर है। अब हम लेकर चलते हैं सी पार्ट। सी पार्ट में अ ट्रायंगल पूछा है, एक ट्रायंगल में कितने, अ ट्रायंगल में कितने डायगोनल्स होंगे, तो एक ट्रायंगल खींच लेते हैं, कोई भी ट्रायंगल ले लीजिए, ओके। हमने एक ट्रायंगल ले लिए, ये ए बी एंड सी है, चलिए एक वर्टिसेस से दूसरे वर्टिसेस को ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन करें, अरे ये तो आई में नहीं करेगा, देखिए ए से हम ज्वाइन करेंगे तो कहां आएगा, सीधे ये लाइन खींची जाएगी, ऐसा तो है नहीं कि तीछे आ जाएगी, है ना। ए से हम सी को भी नहीं ज्वाइन कर सकते क्योंकि लाइन तो ऐसे तो चलने नहीं लाइन, ऐसा तो चलेगी नहीं लाइन, लाइन क्या चलती है, सीधी चलती है, इसका मतलब यहां ना वर्टिसेस बना, ना तो इससे ज्वाइन कर पा रहा ना तो इससे, मतलब ये वर्टिसेस तो है नहीं, वर्टिसेस नहीं होने के कारण क्या होगा, डायगोनल नहीं बनेगा, डायगोनल कंडीशंस होती है एक वर्टिसेस दूसरे को ज्वाइन होना चाहिए, तो यहां तो वर्टिसेस ज्वाइन ही नहीं हो पा रहे, तो इसमें क्या होगा, नो डायगोनल्स, है ना, नो डायगोनल्स बनेगा, इसमें क्या होगा, कोई भी डायगोनल्स नहीं बनेगा। तो याद भी रखिएगा थ्री साइडेड फिगर वाले में, थ्री साइडेड कोई फिगर होगा उसमें डायगोनल्स नहीं बन रहे, ठीक है ना। फोर साइडेड हो या फोर से मोर देन साइडेड हो, चार या चार से ज्यादा साइड वाले कोई भी पॉलीगन होगा उसी में डायगोनल बनेंगे, क्लियर है कंडीशन। कंप्लीटली क्वेश्चंस को देख लीजिए आप, इसको एक बार नोट कर लीजिए।